बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में वी आर गोइंग टू मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, दैट इज C2H2। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2, इन विच कार्बन बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A। इट मीन्स दैट इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, व्हाइल हाइड्रोजन बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A। इट कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस मॉडल बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन एटम हो, देन वी हैव मोर देन 1 कार्बन एटम्स। सो ड्रॉ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बाई मीन्स ऑफ डॉट एंड क्रॉस। दोनों के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दें डॉट एंड क्रॉस से। इसके बाद फोर्थ वैलेंसी हम ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3 फोर्थ वैलेंसी, और ये आ गई फोर्थ वैलेंसी ऑफ दूसरे कार्बन की। नाउ कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो, दैट इज 2:2, 1:1। ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन। इट मीन्स दैट draw single covalent bond with 1 hydrogen and another carbon atom by single covalent bond। अब जितने electron remaining है between carbon carbon, वो सारे के सारे दरमियान में आके pi bond की formation कर लेंगे। देखिए double covalent bond बन गया और एक चौथी valency से बन गया triple covalent bond। It means that सबसे पहले ड्रॉ करेंगे डॉट एंड क्रॉस मॉडल, इसके बाद बताएंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल कोवलेंट बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो एक्टिव सेट। तो ये तरीका बता चुके हूं आपको चार्ट के जरिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो स्टेबल ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो होगा लीनियर एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 180। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। फर्स्ट ड्रॉ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे हम। ये देखिए ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ हो गया कार्बन कार्बन के दरमियान, sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद कार्बन की दूसरी वैलेंसी ड्रॉ होगी, ये आ गई आपके पास सेकेंड वैलेंसी, ये आ गई सेकेंड वैलेंसी, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच विद ईच कार्बन, s ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन अटैच विद ईच हाइड्रोजन अटैच विद sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन टू फॉर्म sp s सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहां पर एक s अटैच होगा विद इज कॉल्ड sp s सिग्मा बॉन्ड। नाउ py और pz एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, किस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा एक py, ये आ गया एक py और एक py, ये आ गया हमारे पास, ये बन गया एक पाई बॉन्ड और एक आएगा pz, एक आएगा pz इस तरीके से, ये दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब दो पाई बॉन्ड बनेंगे यहां पर, एक py और दूसरा बन गया हमारे पास pz। और इसका डिजाइन सेम कर दें ताकि पता चल रहा है आप लोगों को कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करवाना है, और डिफरेंट मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं पेपर में। तो ये हमने सेकेंड पाई बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर वी हैव डन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2, इन विच कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, 2 sp s सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड 1 sp sp सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स बाय यूजिंग py एंड pz ऑर्बिटल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp एंड द बॉन्ड एंगल बिकम्स 180। उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन सही समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंड हाउ कैन वी ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।